जब हम लोग देश की राजनीति और देश के पॉलिटिशियन यानी कि नेताओं के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इसी कड़ी में आप देखते हैं कि एक नेता को और हम लोग देख लेते हैं। ये हैं असुद्दीन ओवैसी। और देखते हैं आप लोग कि ये कहते भी रहते हैं कि मैं मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व करता हूँ। और आप देखेंगे ये अपने कई बयानों के कारण विवादों में भी हमेशा बने रहते हैं। इनका भाई भी आप देखते होंगे कि काफी विवादित बयान देते रहते हैं। उन विवादों को आप लोग देख सकते हैं, कई आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे, एक तरह से वीडियो भी मिल जाएंगे, वहां आप लोग देख भी सकते हैं। लेकिन आप लोग देखें अभी वर्तमान में, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग अगर न्यूट्रल होकर यानी कि धर्म समुदाय जाति पाति नीच ऊंच का ये चश्मा निकाल के देखेंगे तो सभी नेताओं में आपको कमियां भी दिख जाएंगी और अच्छाइयां भी दिख जाएंगी। और आज के नेताओं की तुलना अगर आप लोग आजादी के समय के नेता यानी कि गांधी हो, सरदार पटेल हो, भीमराव अंबेडकर साहब हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इनसे अगर आप लोग तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो गलत है। क्योंकि आज के नेताओं में और उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। वो नेता ही कुछ अलग थे, समझ रहे हैं? आज तो आप देखिए जिनके लिए कहते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज का क्या हाल है आप सभी जानते हैं। और इनने अपना अपने लिए क्या क्या किया हुआ है ये भी आप सभी लोग जानते हैं। खैर छोड़िए इस बात पर हम लोग क्या करें बात, लेकिन इनके बारे में एक इनकी जन्म कुंडली देख लेते हैं, इनके विवादों को भी देख लेते हैं और इनका राजनीतिक सफर भी देख लेते हैं। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। लेकिन आप लोगों को मानना पड़ेगा कि आप सोचिए कि 2014 में जिस तरह से मोदी सरकार की मोदी लहर चल रही थी उसके बाद भी ये अपनी सीट बचा लेते हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य बनते हैं। फिर आपने देखा है 2019 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें भी देखा होगा कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार जाते हैं और ये अपनी सीट बचा लेते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि इन्हें भाजपा की बी टीम भी कहते हैं लोग। कई राजनीतिक पार्टियां इस तरह के इन पर उंगली उठाते रहते हैं क्योंकि कहते हैं कि इन्होंने जहां जहां चुनाव लड़ा है उससे बीजेपी को फायदा हुआ है कि मुस्लिम वोट कट जाता है, उसका बिखराव हो जाता है और एक तरह से बीजेपी को फायदा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए अब आप लोगों को मालूम होगा सही है या गलत है, लेकिन आज के नेताओं की तुलना मैं नहीं कर सकता हूं उस समय के नेताओं से क्योंकि अलग ही उस समय के नेता ही अलग थे। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये हैं असदुद्दीन ओवैसी। इन्हें इनके उपनाम भी हैं नकवी ए मिलत, कैद और असद भाई इनके उपनाम है। इनकी अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 13 मई 1969 को इनका जन्म होता हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आप देखेंगे कि इनका जब जन्म होता है उस समय हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में स्टेट बनाया गया था, तो अब हैदराबाद तेलंगाना राज्य में आता है। ठीक है, यही आपको तेलंगाना के बारे में भी कुछ पॉइंट बता देता हूं क्योंकि जब आप नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो तेलंगाना में विधानसभा, विधान परिषद, विधान लोकसभा, राज्यसभा के बारे में भी तो मालूम होना चाहिए। तो आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ विधान परिषद सीटें कितनी हैं, 46 सीटें हैं, 46। विधानसभा सीटों की बात करें तो 119 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में आपको 7 सीट देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपको 17 सीटें देखने को मिलेगी। और इन 17 सीटों में से एक सीट पर असदुद्दीन ओवैसी भी निर्वाचित हैं। और आप सभी जानते होंगे कि लोकसभा सदस्य को डायरेक्ट जनता चुनती है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी होगी तो वोटर आईडी में आपका भी नाम जुड़ गया होगा, आप भी चुनाव करने के लिए वोट डालते होंगे। इनके अगर हम लोग पिता की बात करें तो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी इनके पिता, और माता की बात करें तो नजमुन्निसा ओवैसी इनकी माता। और इनके भाई की बात करें जिसकी मैं बता रहा था कि वो काफी विवादों में घिरा रहता है, अकबरुद्दीन ओवैसी। आप लोग एक बार पिक्चर भी देख सकते हैं, ये आप देखेंगे
अकबरुद्दीन ओवैसी। और आप देखते हैं कि ये भी हिंदू मुस्लिमों पर काफ़ी राजनीति भी करते रहते हैं और ये बयानबाजी भी करते रहते हैं, इसीलिए कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा है अपने विवादों के कारण। और इनकी अगर हम लोग जीवन साथी यानी कि पत्नी की बात करें तो फरहीन ओवैसी इनकी पत्नी है। इनके 6 बच्चे हैं जिनमें एक तो बेटा है और 5 बेटियां हैं। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं ये। हैदराबाद पब्लिक स्कूल से इन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आप देखें कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट मैरी जूनियर कॉलेज हैदराबाद से भी इन्होंने शिक्षा ली हुई है, निजाम कॉलेज से भी पढ़े हुए हैं, लिंकन इन लंदन यानी कि विदेश जाकर भी इन्होंने शिक्षा ली हुई है। और आप देखेंगे अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीए किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है, बैरिस्टर एट लॉ भी किया हुआ है यानी कि ये वकील भी हैं, इसलिए आप देखते होंगे कि काफी अच्छा बोलते भी हैं। अगर हम लोग इनके शौक की बात करें तो बॉक्सिंग करना, इतिहास और धार्मिक पुस्तकें पढ़ना इनका शौक है। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनेता हैं। इनकी अगर हम लोग पार्टी की बात करें, किसकी पार्टी की बात करें तो अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि आप देखेंगे इनकी पार्टी से ही आपको देखने को मिलेगा क्या है, मुस्लिम मतलब प्रतिनिधित्व की उभर के आ रहा होगा, कि आपको लग भी रहा होगा कि ये। और याद रखिए ये बहुत पुरानी पार्टी है, 1927 में आपने देखा होगा कि इसका गठन हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और इसमें आप देखेंगे कि अभी लोकसभा में इसके 2 मेंबर हैं, ठीक है। और बिहार में आप देखेंगे 5 मेंबर, विधानसभा की बात कर रहा हूँ 5 मेंबर। महाराष्ट्र में आप देखेंगे 2 विधायक हैं इनके, तेलंगाना में आप देखेंगे 7 विधायक हैं इनके, ठीक है। तो ये भी मालूम होना चाहिए कि इनकी पार्टी का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि मुस्लिम काफी हमारे देश में, आप देखेंगे मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भी ये जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की बात हो रही है। लेकिन आपको बता दूं 2017 में जो आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, लेकिन आप देखेंगे सभी जितनी भी सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट उतारे हुए थे उनकी जमानत जब्त हुई थी। और आप देखेंगे टोटल 2 लाख के करीब इनको वोट मिले थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो राजनीतिक पार्टी देख ली, अब बात करिए 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ये भी याद रखिए। अब सबसे जरूरी होती है राजनीतिक यात्रा, कि इनका राजनीतिक सफर किस तरह से रहा है, तो आप देखेंगे इनका राजनीतिक सफर, ओबीसी को वर्ष 1994 और वर्ष 1999 में विधानसभा विधायक के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो विधायक होता है, जो एमएलए होता है, इसे डायरेक्ट आपकी जनता चुनती है, ठीक है। पर आप देखेंगे 2004 में आपके लोकसभा चुनाव होते हैं और हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य बनते हैं ओबीसी पहली बार 2004 में। पर आप देखेंगे 2009 में भी चुनाव होते हैं, वह संसद के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यानी कि 2009 में जो आम लोकसभा चुनाव आपके होते हैं, आम चुनाव, इसमें लोकसभा सदस्य वो पुनः बन जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि 2014 में चुनाव होते हैं और संसदीय चुनाव में वो तीसरे कार्यकाल के लिए सांसद बन जाते हैं, तीसरी बार वो लोकसभा सदस्य बनते हैं। फिर आप देखेंगे 2019 में भी लोकसभा चुनाव होते हैं और वो फिर से सांसद के रूप में चुने जाते हैं। तो याद रखिए 4 बार लोकसभा सदस्य बन चुके हैं। और याद रखिए कुछ तो इनने काम किया होगा उस समय, वहां हैदराबाद में सुनते भी हैं कि काफी अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने, तो उसी की वजह से जीते हुए हैं और एक मुस्लिमों का वोट मिल ही जाता है। अब बात आती है इनके विवादों की, तो विवाद आप देखते हैं कि 2005 में एक विवाद इन पर काफी रहा है, विवादों से तो इनका हमेशा नाता जुड़ा रहा है।
ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन पर मेड़क जिला कलेक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था और इस आरोप में इनके भाई को जेल भी जाना पड़ा था। 16 अप्रैल 2005 को विभिन्न धार्मिक समूहों को भड़काने के लिए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया था, क्योंकि इनकी भाषा से ही आप देखेंगे स्पीच जो भी देते हैं तो एक मतलब समुदाय के लिए एक तरह से बात करते हैं, दूसरे समुदाय पर आप देखेंगे टारगेट भी करते रहते हैं, तो इसलिए आप समझेंगे कि इनका क्या है विवादों से काफी नाता जुड़ा हुआ है। 2009 में आप देखेंगे मुगलपुर इलाके की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के एक मतदान एजेंट सैयद सलीम उद्दीन का पीछा करने उसे मारने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया था। इस तरह आप देखते हैं राजनीति में होता भी रहता है। पर आपने देखा होगा कि मार्च 2013 में उन्हें बिना किसी अनुमति के रैली आयोजित करने और कर्नाटक की बिदर में लाइसेंस के बिना बंदूक ले जाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। फिर आप देखेंगे 2016 में महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वह कभी भी भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे। और आप देखते हैं कि जब भी ये कहीं डिबेट में आते हैं तो इनसे लोग कहते भी हैं कि भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय बोलिए, तो इससे भी काफी विवाद में घिरे रहते हैं। पर आपने देखा है कि 2019 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे और इसमें इन्होंने कहा कि भारतीय आम चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद ओबीसी ने कहा कि ईवीएम मशीन में धोखाधड़ी नहीं हुई है, इसके बजाय हिंदू दिमागों में धांधली हुई है। और जून 2019 में ओबीसी ने यह भी बताया कि राहुल गांधी का वायनाड यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीतने का कारण 40% मुस्लिम आबादी है। आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी दो सीटों से लड़े थे, एक तो अमेठी थी उनकी पारंपरिक जो सीट थी वो हार गए थे और दूसरी आप देखेंगे वायनाड लोकसभा क्षेत्र से वो चुने गए थे। तो ओबीसी ने कहा कि इसका जीतने का कारण है कि यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं ने राहुल को वोट दिया, इसी कारण वो जीते भी है। मुझे लगा कि इनके बारे में बात कर लेनी चाहिए। वैसे आप सोचिए राजनेता जो भी आज के राजनेता हैं, इनका बैकग्राउंड कुछ अलग ही है और ये परंपरा भी बनी हुई है कि आप सोचिए कि अगर कोई नेता पर कुछ मामले दर्ज नहीं है, हत्या के हों फिर डकैती के हों या फिर आप चोरी डके जो भी हो, तब तक वो अच्छा नेता नहीं बन पाता है। और इसमें हम देखेंगे कि हमारी भी गलती है, हम मतदाताओं की भी उतनी ही गलती है जितनी नेताओं, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप सोचिए कि हमारे क्षेत्र में कोई अगर ईमानदार नेता बनकर उभरता है तो हम लोग उसे वोट ही नहीं देते, हमें वोट देते हैं जो मवाली हो, डकैत हो, चोर हो, उसने 2-4-10 मर्डर किए हो, जेल काट के आया हुआ, वही बड़ा नेता बनता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि आप लोग लोकसभा उठा के देख लीजिए, विधानसभा उठा के देख लीजिए, आधे से अधिक सदस्य आपको दागी ही मिलेंगे जिन पर बलात्कारी, डकैती, हत्या, इस तरह के कई मामले दर्ज होंगे और आप देखेंगे उसका बैकग्राउंड और बढ़ता जाता है। अभी आप देखिए किसी धर्म के प्रति आप लोग नफरत उगल दीजिए, आप उतने ही बड़े नेता बन जाएंगे उस समुदाय में। तो ये हाल है अब राजनीति का, देखिए कब सुधरती है क्या होती है। चुनाव आयोग नियम कानून लाता रहता है, आप देखते हैं हमारा हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये भी टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन सुधरें तब तो। खैर छोड़िए, अब इनके बारे में यही पॉइंट याद रखिए, मुझे लगता है कि आपके यहाँ नेता अगर चुनाव लड़ने आ रहा है कोई तो उसका पारिवारिक बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड मालूम तो होना चाहिए। बाकी उत्तर प्रदेश के काफी नेताओं के बारे में बात कर चुके थे हम लोग, अखिलेश हो, मुलायम सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद, रावण हो, मायावती हो, फिर चाहे आपकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मोदी, अमित शाह है, और भी बताइए अगर कोई छूटा हो तो, और भी किसी के बारे में बात करनी हो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है,